गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हम हमारा फर्स्ट चैप्टर हाउ वेन एंड वेयर पढ़ रहे थे। इसमें हम हमारा जो मेन टॉपिक है पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की आवधिकता, ये पढ़ रहे थे। इसमें से फोर्थ पैराग्राफ है, थस द इंडियन स्कॉलर लेटर क्लासिफाइड इंडियन हिस्ट्री इंटू एंशियंट, मिडवियल एंड मॉडर्न, बट दिस क्लासिफिकेशन हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम। यानी भारतीय विद्वानों ने जो भारतीय इतिहास है उसको तीन भागों में विभाजित किया, एंशियंट प्राचीन भी होता है और संकुचित भी है, मिडवेल मध्यकालीन और मॉडर्न आधुनिक इतिहास में बांटा है। लेकिन जो यह वर्गीकरण है यह अपने आप में समस्यात्मक है। दिस पीरियडाइजेशन इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, यानी यह जो समयावधिकरण है या आवधिकता है वो यूरोपीय देशों से उधार ली गई है। द वेस्ट वेयर मॉडर्न पीरियड इज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस, यानी कि जहाँ पर आधुनिक जो समय है वो वृद्धि के ऊपर निर्भर करता है, वृद्धि और विकास जो है, जैसे कि विज्ञान है, रेशनलिज्म, मानव बुद्धिवाद है, ह्यूमनिज्म, मानवतावाद है, लॉजिक, तर्क है, फ्रीडम एंड इक्वलिटी, यानी कि स्वतंत्रता और समानता के ऊपर निर्भर करते थे। द टर्म मिडवियल वॉज यूज टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी विच वॉज नॉट डेमोक्रेटिक एंड लिबरल, यानी जो मध्यकालीन शब्द है यह उस समाज के लिए प्रयोग किया जाता है विच वॉज नॉट डेमोक्रेटिक एंड लिबरल, जो लोकतांत्रिक और उदारवाद नहीं है। हाउएवर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द ब्रिटिश पीरियड इन हिस्ट्री कैन नॉट बी टर्म एज मॉडर्न, यानी कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो अंग्रेजी ये जो ब्रिटिश पीरियड है, ब्रिटिश समय अवधि है, वो आधुनिक नहीं कही जा सकती है। बिकॉज इंडियंस वर डिनाइड लिबर्टी, क्योंकि जो भारतीय लोग हैं वो उदारवाद से वंचित थे, इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय से भी वंचित थे। देर वॉज नो इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड द इंडियन इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड रेपिडली, यानी भारत के अंदर जब ब्रिटिश शासनकाल चल रहा था तो कोई आर्थिक प्रगति नहीं हुई और भारत के जो स्तर थे वो यानी कि औद्योगिक पतन है वो तेज़ी से हुआ। थस इट इज़ अप्रोशिएट टू द टर्म दिस पीरियड एज ए कॉलोनियल, इसी कारण से इस शब्द को औपनिवेशिक काल की संज्ञा ही दी जा सकती है। अब हम हमारा जो अगला पैराग्राफ है कॉलोनीलाइजेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। औपनिवेशीकरण, कॉलोनीलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच ए सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर डोमिनेट्स द सराउंडिंग्स लैंड एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि जो औपनिवेशीकरण है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपनी जो सभी केंद्रीय शक्तियां होती हैं वो आसपास की भूमि और उसकी घटकों पर आधारित होती हैं। कॉलोनाइजेशन रेफर्स स्ट्रिक्टली टू माइग्रेशन, यानी कि कॉलोनाइजेशन जो शब्द है वो प्रवास को स्ट्रिक्टली लेता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, टू सेल्टर्स कॉलोनीज इन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि उदाहरण के लिए हम अमेरिका की जो आबादी वाली कॉलोनियां हैं, ऑस्ट्रेलिया की भी, ट्रेडिंग पोस्ट व्यापारिक पदों पर एंड प्लांटेशंस और प्रौद्योगिकरण है, वाइल कॉलोनिज्म टू द एक्जिस्टिंग इंडिजीनियस पीपल ऑफ स्टाइल्स न्यू टेरिटरीज, जबकि जो औपनिवेशिक शब्द है वो स्वदेशी जो लोगों की स्टाइल्स है, न्यू टेरिटरीज है, उनके ऊपर बल देता है। कॉलोनाइजेशन वाज लिंक्ड टू द स्पिरिट ऑफ टेन ऑफ मिलियंस फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि कॉलोनाइजेशन जो औपनिवेशिक शब्द जो है वो इससे यह पता चलता है कि इसने टेंस ऑफ मिलियंस फ्रॉम, यानी कि यूरोपियन स्टेट्स, यानी कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर इन्होंने लाखों वर्षों पहले इसने अपना प्रचार प्रसार पूरे विश्व पे किया था। ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ए ट्रेडर, यानी कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो भारत में एक एज ए ट्रेडर आए थे। सून दे वर फैसिनेटेड विद द वेल्थ ऑफ इंडिया, यानी इसके बाद में वो शीघ्र ही भारत की जो आर्थिक संपदा को देख के इसके ऊपर मोहित हो गए, इसकी तरफ आकर्षित हुए। फैसिनेटेड क्या होता है?
मोहित होना या आकर्षित होना, वेल्थ ऑफ इंडिया भारत की धन संपदा को देख करके, दे चेंज दियर मोटिव फ्रॉम ट्रेड टू कॉलोनाइजेशन, यानी कि उन्होंने भारत के प्रति जो व्यापार का जो मकसद था उसको बदल दिया, दियर प्लान्स इन्वॉल्व्ड यूजिंग इंडिया एज ए फेडरल कॉलोनी, यानी कि उन्होंने जो अपना योजना बनाई थी उसको क्या किया कि फेडरल कॉलोनी के रूप में बदल दिया, फॉर दियर ओमन फ्लोरिसिंग इकोनॉमी बैक एट ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने के लिए, उसको समर्थ बनाने के लिए भारत को उन्होंने फेडरल कॉलोनी के रूप में यानी कि इन्वॉल्व किया, दे कीप दियर फोकस ऑन एक्सपेंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग दियर होल्ड ऑन इंडिया, यानी कि उन्होंने अपनी जो पकड़ है, अपना जो फोकस है वो केवल एक्सपेंडिंग एंड प्रोटेक्शन दियर होल्ड ऑन इंडिया, यानी कि भारत के ऊपर यानी कि व्यापारिक दृष्टि से ही अपनी पकड़ है वो बनाए रखी, इसको सुरक्षित रखा। ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट चेंज इन वैल्यूज एंड टेस्ट कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेज, ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट चेंज, यानी कि ब्रिटिश शासनकाल से भारत के अंदर काफ़ी बदलाव आए, जैसे कि वैल्यूज हैं उनमें भी और टेस्ट हैं, कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेज हैं, इनके अंदर काफ़ी बदलाव आया।